हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वर आस्किंग मी अबाउट योर लिटरेचर बुक. सो हेयर इट इज़. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर फर्स्ट चैप्टर एंड नेम ऑफ दिस चैप्टर इज अ शॉर्ट मॉनसून डायरी. ओके, इट इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट. मॉनसून मिस्ट का पहला दिन है. मिस्ट क्या है? अ क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर दैट मेक इट डिफ़िकल्ट टू सी थ्रू. वाटर ड्रॉपलेट्स जो हवा में जम जाते हैं और जिनकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है. एंड इट्स स्ट्रेंज, और बड़ी अजीब बात है, हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट. कैसे सभी पक्षी साइलेंट हो गए, चुप हो गए, एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल. जैसे ही मिस्ट ने पहाड़ी के ऊपर आना शुरू किया, सभी पक्षी चुप हो गए. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. शायद इसीलिए जो mist है वो so melancholy है, sadness से filled है. Not only does it conceal the hills, ये सिर्फ hills को छिपाती नहीं है. It blankets them in silence too. ये उन्हें सन्नाटे की चादर उड़ा देती है. Only an hour ago, सिर्फ एक घंटा पहले, the trees were ringing with bird song. जो पेड़ थे वो पक्षियों के गानों से गुनगुना रहे थे, म्यूजिकल थे. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल. अब जंगल बिल्कुल शांत है, एज दो इट वर मिडनाइट, जैसे कि आधी रात का समय हो. थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. मिस्ट में से बिज्जू अपनी सिस्टर को आवाज़ लगा रहा है. आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड. मैं सुन सकता हूँ उसे दौड़ते हुए हिल साइड पे. बट आई cannot सी हिम, पर मैं उसे देख नहीं सकता. जून 25, सम जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन, वार्म एंड ह्यूमिड. कुछ वास्तविक शुरुआती बारिश, गर्म और आर्द्र. ह्यूमिड का मीनिंग है हाई लेवल ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, जब एयर में वाटर वेपर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्नफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर. और ऐसा भी नहीं था कि ये उच्च शीतलता हम सारा साल झेलते थे. द प्लांट सीम टू नो इट टू. ऐसा लग रहा था पौधों को भी ये पता चल गया था. एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस. अपना सिर उठाती है, फर्न से अलग करती है, जैसे मैं जैसे जैसे चलता हुआ जाता हूँ, कहाँ, बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ. द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्रिवेसी. जो मिस्ट है वो सबसे प्रिवेसी का वादा करती है, श्योरिटी देती है. स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड द वैली इन वन सेंटेंस. एक स्कूल बॉय ने, एक स्कूल के बच्चे ने मुझे वर्णन करने के लिए कहा एक हिल स्टेशन और एक घाटी का एक वाक्य में. एंड All I could say was, मैं क्या कह सका, a paradise that might have been, एक स्वर्ग जो हो सकता है. June 27, the rains have heralded the arrival of some seasonal visitors. जो रेन है उसने एक इशारा किया कि कुछ सीजनल विजिटर्स आने वाले हैं. Leopard and several thousand leeches. लैपर्ड्स और बहुत सारे लीचिस. लीचिस क्या हैं? ब्लड सकिंग पैरासाइटिक वॉर्म्स. वो वॉर्म्स जो ब्लड सक करते हैं, खून चूसते हैं. येस्टरडे आफ्टरनून द लैपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल. कल की ही बात है, दोपहर में लैपर्ड ने एक डॉग को उठा लिया. कहाँ से? नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट्स क्वार्टर के पास, बिलो द स्कूल, स्कूल के नीचे. इन द इवनिंग, शाम को, इट अटैक्ड वन ऑफ द बिजूज काउस. उसने बिजू की काउस पे हमला किया. बट फ्लड एट द अप्रोच ऑफ बिजूज मदर. पर बिजू की मदर के आने पे भाग गया. हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस. जो कि उसको इम्प्रिकेशंस, कर्सेस देती हुई, बुरा भला कहती हुई, चिल्लाती हुई वहाँ से आ रही थी. उसको देख के लैपर्ड वहाँ से भाग गया. एज फॉर द लीचेस, जहाँ तक लीचेस की बात है, आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे.
मैं जल्दी ही इस चीज का आदि हो गया कि थोड़ा सा रक्तपात रोज होगा ही। बिजू'स मदर सेट डाउन इन द श्रबरी टू रिलीव हरसेल्फ। बिजू की माँ बैठ गई कहाँ, श्रबरी में। श्रबरी क्या है? एन एरिया फिल्ड विद बुशेस और श्रब्स, श्रब्स या बुशेस से भरा हुआ एक एरिया। वहाँ पे वो बैठ गई अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। एंड लेटर डिस्कवर्ड, और बाद में उन्होंने क्या पाया, टू फैट ब्लैक लीचेस फीडिंग ऑन हर फेयर राउंड बॉटम। दो काली मोटी लीचेस उसके फेयर राउंड बॉटम पे बैठ के खून पी रही थी। आई टोल्ड हर शी कुड यूज़ वन ऑफ द स्पेयर बाथरूम्स डाउन स्टेयर्स। मैंने उसे कहा था कि वो नीचे के फालतू पड़े दो बाथरूम्स में से एक यूज़ कर सकती है। बट शी प्रेफर्स द वाइड ओपन स्पेसेस, पर उसे खुले बड़े मैदान ज़्यादा पसंद थे, वो उन्हें ज़्यादा प्रेफर करती थी। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनिवेट्स। बाकी के न्यू अराइवल्स जो मतलब अभी अभी पहुँचे थे वो थे मिनिवेट्स। मिनिवेट्स क्या है? बोल्डली पैटर्नड एशियन कुकूज, एशियन कुकूज के लिए यूज़ किया गया है ये वर्ड्स। फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट जेवल्स, शानदार रत्नों की तरह पत्तों के बीच चुपचाप बैठते हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेड़ कितने पत्तेदार होते हैं। दीज ब्राइट कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्फ, ये चमकीले रंग के पक्षी अपने आप को छिपाए नहीं सकते। ऑल दो बाई रिमेनिंग एब्सोल्यूटली साइलेंट, फिर भी अगर ये पूरी तरह से चुप रहते हैं, दे समटाइम्स कंट्रीव टू गो अननोटिस, वे कई बार ऐसी सिचुएशन बना लेते हैं कि कोई उन्हें नोटिस ना कर पाए। अलॉन्ग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोस। ड्रोंगोस क्या है? ये भी एक बर्ड है, ब्लैक कलर का होता है, साउथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के कंट्रीज़ में पाया जाता है। अननेसेसरी अग्रेसिव, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, हमेशा अटैक के लिए तैयार रहता है। चेजिंग द मिनीवेट्स अवे, वो मिनीवेट्स को दूर भगा देते हैं। अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप, एक ट्री क्रीपर ट्री पे रहने वाला जल्दी जल्दी ऊपर जाता है। ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, ओक ट्री के ऊपर जाता है। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, रस्ते में आते हुए जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको सबको खाता हुआ, चोंच से पकड़ता हुआ। नाउ दैट द रेन्स आर हेयर, अब क्योंकि बारिश यहाँ पे है, देयर इज नो डर्थ, यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं होगी ऑफ फूड, खाने की, फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड, जो कीड़े मकोड़े खाने वाले पक्षी हैं उनके लिए खाने की कोई कमी नहीं। अगस्त 2, ऑल नाइट द रेन हैज़ बिन ड्रमिंग ऑन द कॉर्गेटेड टिन रूफ, पूरी रात बारिश कॉर्गेटेड फोल्डेड टिन रूफ पे ड्रमिंग करती रही, गिरती रही। देयर हैज़ बिन नो स्टॉर्म, कोई तूफान नहीं था, नो थंडर, कोई गड़गड़ाहट नहीं थी, जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर, बस एक उष्णकटिबंधीय मंदी का स्थिर स्वर, मतलब हल्की हल्की बारिश की आवाज़ थी। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, ये मुझे जगे रहने में मदद करती है। एट द सेम टाइम, एक ही समय पे, इट डज नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, ये रेन, ये बारिश मुझे सोने से रोकने में सफल नहीं हो पाती है। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय, पढ़ने के लिए ये संगीत बहुत अच्छा है। द रेन आउटसाइड, बाहर बारिश, द क्वाइट विद इन, और अंदर शांति। एंड ऑल दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स, जबकि जो टिन की रूफ है, छत है, उसमें ना गिने जा सकने योग्य लीक्स हैं, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय, जो कि एक एहसास देती है कि हम अनटच्ड हैं, रेन से दूर हैं, एंड येट इन टच विद द रेन, और फिर भी रेन के, बारिश के संपर्क में हैं। अगस्त 3, 3 अगस्त, द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक जाती है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, बादल छटने लगते हैं। द सन स्ट्राइक्स द स्टीप हिल, सूरज पहाड़ की तीखी चोटी के पीछे से नजर आने लगता है। ऑन माई लेफ्ट, मेरी बाईं तरफ की, अ वुमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, एक औरत लकड़ियाँ काट रही है। आई हियर द टिंकल ऑफ काउबेल्स, मुझे
गाय के गले की घंटियां सुनाई देती हैं। इन द ओक ट्री, ओक के पेड़ में, अ क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर्स एंड काउस डिसकंसोलेटली। एक कोआ अपने पंखों पे से पानी की बूंदों को हटाता है और खुशी से गाता है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, एक ड्रेन पाइप में से जो कि लीक हो रही है उसमें से पानी टपकता है। एंड सडनली क्लियर एंड प्योर, अचानक एकदम साफ सुथरा और शुद्ध। द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रस्ट, सीटी बजाने की आवाज, अमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट, ऐसे आता है जैसे कि कोई बहुत अच्छा सीक्रेट हो। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रेविन, रेविन की गहराई में से एक संगीत सुनाई देता है जो कि बहुत साफ है, बहुत प्योर है और जो हमें बहुत खुशी देता है, बहुत आनंद देता है। एंडलेस रेन, ना रुकने वाली बारिश, एंड परमानेंट मिस्ट, एक स्थाई मिस्ट। वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 or 9 days, हमने 8 या 9 दिन के लिए सूरज ही नहीं देखा। Everything is damp and soggy, हर चीज़ भीगी हुई है, नम है। Nowhere to go, कोई जगह नहीं है जाने के लिए। Pace the room, कमरे में ऊपर नीचे टहलते हैं। Look out of the window at a few bobbing umbrellas, खिड़की से बाहर देखते हैं तो कुछ अम्ब्रेलाज ऊपर नीचे जाती हुई, लोगों की अम्ब्रेलाज नज़र आती हैं। At least it is not cold rain, कम से कम ये सर्दियों की बारिश नहीं है। The hillside are lush as late monsoon flowers begin to appear, हिल की जो साइड्स हैं वो बहुत रिच हो गई हैं, अबंडेंट हो गई हैं, क्योंकि जाती हुई मॉनसून के जो फ्लावर्स हैं वहाँ पे वो अपीयर होने लगे हैं, दिखाई देने लगे हैं, जिनमें वाइल्ड बल्ब्स, डैलियास, बेगोनियास एंड ग्राउंड ऑर्किड्स, ये सब फ्लावर्स वहाँ पे अपीयर होने लगे हैं। August 31, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, अगस्त का आखिरी दिन है। एंड द लश मॉनसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक, और मॉनसून की ग्रोथ अपने पीक पर, चरम सीमा पर पहुंच गई हैं। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, कोबरा लिली के सीड्स रेड होने शुरू हो गए हैं, सिग्निफाइंग दैट, ये चिन्हित करते हुए, इसकी ओर इशारा करते हुए, दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, कि बारिशें ख़त्म होने वाली हैं। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, फर्न पीले होने शुरू हो जाएंगे, बट राइट नाउ, पर अभी, दे आर स्टिल फर्म, वो अभी भी मजबूत हैं, ग्रीन हैं एंड अपराइट, सीधे खड़े हैं। ग्राउंड ऑर्किड्स, मॉवे लेडी स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रैसी स्लोप्स ऑफ लैंडोर, लैंडोर के ग्रैसी स्लोप्स पे ये सभी तरह के फ्लावर्स ऐसे लगे हुए हैं जैसे एक डिस्प्ले के लिए स्पेशली अरेंज किए गए हों, ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं। वाइल्ड डैलियास, रेड, येलो एंड मजेंटा रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्रिविसेस, वाइल्ड डेलियाज, जो जंगली डेलिया के फूल हैं रेड, येलो और मेजेंटा कलर के, वो रॉकी क्रिविसेस, क्रिविसेस क्या हैं, वो क्रैक्स जहाँ से वो पौधे उगे हुए थे, वहाँ से अपना हेड उठाना, खड़े होना शुरू करते हैं, वेयर दे हैव टेकन होल्ड, जहाँ पे उन्होंने मजबूती से पकड़ा हुआ था। स्नेक्स एंड रोडेंट्स फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बुरोज, स्नेक्स और रोडेंट्स, ज़मीन के नीचे रहने वाले जानवर, अपने होल से, बुरोज से बाहर आ जाते हैं। टेक शेल्टर इन रूफ्स, रूफ्स पे शेल्टर, आश्रय लेते हैं, एटिक्स पे आश्रय लेते हैं और गोडाउन्स में, वेयर हाउसेस में जाके आश्रय लेते हैं। अ श्रू, श्रू क्या है, अ स्मॉल मैमल लाइक अ माउस, माउस जैसा ही एक मैमल है। वीक ऑफ आईसाइट, अपनी कमज़ोर आईसाइट के कारण, ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स, गलती से कमरे में घुस जाता है। मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे उसको देख के बहुत आनंदित होते हैं। डोंट किल इट, इसे मत मारो, एडमोनिशेस देयर ग्रैंड मदर, उनकी दादी उन्हें डांटती है, उन्हें ऐसा करने से रोकती है कि इसे मत मारो। चुचुंदर्स आर लकी, जो चुचुंदर्स हैं वो हमारे लिए लकी हैं, भाग्यशाली हैं, दे ब्रिंग मनी, वो पैसा लेकर आते हैं हमारे लिए, खुशहाली लेकर आते हैं। एंड श्योर इनफ, और बिल्कुल सही, आई रिसीव अ चेक इन मेल, मैंने उसी दिन एक चेक रिसीव किया मेल में,
नॉट अ वेरी लार्ज वन, बहुत बड़ा नहीं था, बट वेलकम ऑल द सेम, फिर भी इसका स्वागत किया गया. जनवरी 26, विंटर रेन इन द हिल्स, सर्दियों की बारिश हिल्स में. इन द हार्ट साइलेंस ऑफ द हाउस, घर के सन्नाटे में. व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, जब मैं बिल्कुल अकेला था. एंड माय फ्रेंड हु वाज हेयर हैज गोन, और मेरा दोस्त जो यहाँ पे था वो भी चला गया था. इट इज़ वेरी लोनली, बहुत अकेला था. वेरी क्वाइट, बहुत शांत था. एंड एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, और जैसे मैं इस लिक्विड साइलेंस में बैठता हूँ, अ साइलेंस विद इन, एक साइलेंस जो मेरे अंदर भी है, सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, वो चारों तरफ से घिर जाता है बारिश की रिदम से, बारिश के संगीत से. एंड स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, पानी के गिरने की आवाज़ लीव्स पे, ऑन लेमन्स पे, रूफ्स पे, ड्रमिंग ऑन द ड्रेंच्ड डेलियास एंड विंडो पेन्स, ड्रम करता हुआ, शोर मचाता हुआ भीगे हुए डेलियास पे और विंडो पेन्स पे. वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क केरीज, जो मिस्ट है वो पूरे घर को एक अंधेरे में ढक देती है. एज आई पॉज नियर अ विंडो, जैसे ही मैं खिड़की के पास रुकता हूँ, द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक जाती है. एंड स्टार्ट्स अगेन, फिर दोबारा से शुरू हो जाती है. एंड द ट्रीज, और पेड़, नो लॉन्गर ग्रीन, अब ग्रीन नहीं है बट ग्रे, ग्रे हो गए. मिनेस, एक डेंजर, कोई खतरा. मी विद देयर लोनलीनेस, अपने अकेलेपन के साथ वो पेड़ मुझे एक खतरे का अंदेशा कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं. मार्च 23, लेट मार्च, मार्च के अंत में. एंड ऑफ विंटर्स, सर्दियों का अंत. द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्वेटेड ओवर मंसूरी, इतना काला बादल मैंने शायद ही कभी उड़ता हुआ देखा होगा मसूरी के ऊपर. एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और फिर आधे घंटे तक ओलावृष्टि हुई, बर्फबारी हुई. नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, एक हेल स्टॉर्म की तरह स्काई को, आकाश को कोई भी क्लियर नहीं कर सकता. इवन एज आई राइट, और जैसे मैं लिख रहा था, जब मैं लिख रहा था, आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, मैंने एक रेनबो बनता हुआ देखा. Students, we have discussed this chapter. I hope it is clear to you. If you have any confusion, you can contact me. Please solve your assignment and send it to me. Okay, take care. Goodbye.